IPL 2023 का सातवां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की टीमों के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद डेविड वार्नर की टीम इस मुकाबले में पलटवार करने उतरेगी। वहीं ओपनर मैच में चेन्नई सुपर किंग्स पर 5 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली हार्दिक पंड्या की टीम अपना विजयी अभियान जारी रखना चाहेंगी। दिल्ली में 3 साल बाद पहली बार IPL मैच खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस की टीम कप चैंपियन है। 31 मार्च को खेले गए IPL 2023 के ओपनर में उसने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया था। CSK की टीम यह मुकाबला 171 रन बनाने बाद हारी थी। चेन्नई के विरुद्ध मैच में शुभमन गिल और राशिद खान ने कमाल का प्रदर्शन किया था। जहां शुभमन ने बैटिंग में जलवा बिखरते हुए अर्धशतक लगाया, वहीं राशिद खान बेहतरीन बॉलिंग करने में सफल रहे। CSK के खिलाफ मिली जीत के बाद गुजरात टाइटंस के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में दिल्ली की टीम को सतर्क रहना होगा, क्योंकि गुजरात के खिलाफ दिल्ली का रिकॉर्ड बेहतर नहीं है। हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम का IPL में बहुत पुराना इतिहास नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में गुजरात टाइटंस ने दस्तक दी थी। यह टीम पहले ही साल इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने में सफल रही। IPL आंकड़ों को देखा जाए तो गुजरात के आगे दिल्ली का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इन दोनों टीमों के बीच IPL में सिर्फ एक मैच खेला गया है। IPL 2022 में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था, इसलिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मैच में मनोवैज्ञानिक बढ़त हार्दिक पंड्या की टीम गुजरात टाइटंस के पास होगी। क्या हो सकती है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, आइए जानते हैं। बात करें दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11 की, तो इसमें डेविड वार्नर कप्तान, पृथ्वी शॉ, मिशेल मार्श, रायली रूसो, सरफराज खान विकेटकीपर, रोबमैन पॉवेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, चेतन सकारिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार। और गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार से रहने वाली है: रिद्धिमान साहा विकेटकीपर, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, हार्दिक पांड्या कप्तान, विजय शंकर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शमी, जोशुआ लिटिल, यश दयाल और अलजारी जोसेफ। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार मिलती रहे।